प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और इन राज्यों में विभिन्न योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों को वह संबोधित भी करेंगे। मोदी असम में जहां दो अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे और राज्य के राजमार्गों व प्रमुख जिलों की सड़कों के उन्नयन वाले असम माला योजना की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हल्दिया में अधोसंरचना विकास से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। आज वो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी से राज्यसभा सांसद नारायण राणे के एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए सिंधुदुर्ग पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत बसंत पंचमी 16 फरवरी से होगी। इसके तहत राज्य के प्रतिभावान छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उच्च स्तरीय मार्गदर्शन तथा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अन्य भर्ती बोर्ड और संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड इस साल कानपुर में 1,00,000 नए पीएनजी गैस कनेक्शन देगी। इसके लिए कंपनी ने शहर में 2,300 किलोमीटर लंबी पीएनजी लाइन का जाल बिछा दिया है। कानपुर में अब तक 1,00,000 घरों में पीएनजी गैस पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों, भारतीय किसान संगठनों द्वारा कमिश्नरेट लखनऊ क्षेत्र में किसान आंदोलन धरना प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका के चलते 28 फरवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में स्कूल खोलने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कक्षा 1 से 8 तक हर दिन 50% बच्चे ही बुलाए जा सकेंगे। किसी भी दिन कक्षा में कुल क्षमता के 50% से अधिक उपस्थिति नहीं होगी। लखनऊ आवासीय विद्यालय की रैंकिंग में फजीवाड़ा करने के मामले में राज्य नियोजन संस्थान के 2 IAS अफसरों समेत 11 अधिकारियों पर जालसाजी और दस्तावेजों में हेराफेरी का केस दर्ज किया गया है। आरोपी अफसरों में IAS अंकित कुमार अग्रवाल व ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी भी हैं। अंकित वर्तमान में प्रयागराज विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष हैं, वहीं ज्ञान प्रकाश विशेष सचिव नियोजन हैं। आवासीय विद्यालयों की रैंकिंग में फर्जीवाड़ा मामले में राज्य नियोजन संस्थान में 2 IAS समेत 11 अफसरों पर जालसाजी का केस करने वाली मूल्यांकन अधिकारी ने शारीरिक शोषण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। लखनऊ के गोमतीनगर विभूति खंड में रोहतास प्रेसिडेंशियल आर्केड में कैरोटेल बार बना अनैतिक और अवैध धंधों का अड्डा। इस बार में गलत कामों का विरोध करने पर मालिक और मार्शल करते हैं पिटाई। शराब की आड़ में ड्रग्स के धंधे की भी सूचनाएं। गोरखपुर पूर्व राज्य मंत्री जितेंद्र जायसवाल उर्फ पप्पू भैया समेत 3 लोगों के खिलाफ शाहपुर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा पुलिस ने CJM कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया है। डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को मजबूती देने के लिए RBI 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन नंबर लाएगा। RBI ने कहा है कि सितंबर 2021 तक पूरे देश में सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन लाई जाएगी ताकि कस्टमर विभिन्न डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट की जानकारी ले सकें और उनकी शिकायतें दर्ज करा सकें। दुनिया भर में कोरोना से 10.63 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 23.18 लाख से ज्यादा वर्ल्ड रोमीटर के मुताबिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में 2,75,16,771 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 4,73,483 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके के डेयरी फार्म में बनी झुग्गी बस्ती में आग लगी है। आग पर काबू पर पाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां पहुंची हैं। आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। करीब 100 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ी जलकर खाक हो चुकी हैं। तमिलनाडु के चेन्नई से 30 जनवरी को अगवा किए गए नौसेना के 26 वर्षीय नाविक को महाराष्ट्र के पालघर जिले के जंगलों में जिंदा जला दिया गया था। बुरी तरह से झुलसे नाविक की अस्पताल में मौत हो गई। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।